अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके लिए बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लाई हूँ, रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन अफगानी। जब आप इसको घर पे ट्राई करेंगे ना, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये घर पर बनाया, बिल्कुल रेस्टोरेंट का टेस्ट आएगा। तो चिकन अफगानी बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, चलिए देखते हैं। ये मैंने 400 ग्राम चिकन लिया हुआ है और ये मैंने आधा प्याला दही लिया हुआ है। ये मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम ली हुई है। अगर आपके पास अमूल की क्रीम ना हो तो आप दूध पर जमी हुई मलाई भी ले सकते हैं। और ये मैंने रिफाइंड ऑयल लिया हुआ है। और ये मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और ये लगभग 7 से 8 हरी मिर्चें और थोड़ी सी हरी धनिया है। और ये प्याज है 3-4 जो मैंने इसे क्यूब में काट कर लिया है। और ये थोड़े काजू हैं, थोड़े ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा चाट मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला। और ये मैंने आधा नींबू लिया हुआ है। चलिए देखते हैं चिकन अफगानी कैसे बनता है। देखिए, मैंने जार में जो प्याज है कट की हुई, मैं जार में डाल दूँगी। सारी प्याज इसमें डाल दूँगी और इसमें ये जो हरी मिर्ची और हरी धनिया इसे मैं ऐड कर दूंगी। और इसी में मैं काजू को भी ऐड कर दूंगी। और इन सबको डाल के मैं एक फाइन पेस्ट तैयार कर लूंगी। चलिए इसको मिक्सर में ग्राइंड करते हैं। देखिए, मैंने मसाला पेस्ट लिया है। देखिए इस तरह से पेस्ट बना है। देखिए, अब मैं इस चिकन में ये पेस्ट डाल दूंगी। देखिए, और ये दही जो मैंने लिया था इसी में ऐड कर दूंगी। और ये अदरक लहसुन इसी में डाल दूंगी। और ये जो मसाले लिए हुए थे सारे इसी में ऐड कर दूंगी। और ये रिफाइंड ऑयल है, ये देखिए, ये मैं इतना लिया हुआ है मैंने, तो मैं इसका आधा डालूंगी। देखिए, मैंने सब मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको मैरिनेशन के लिए रख दूंगी लगभग 15 से 20 मिनट। और ये जब बनकर तैयार होगा ना, तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी रेसिपी बनकर तैयार होगी। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको मिक्स कर देंगे हम। ये देखिए इस तरह से। चलिए अब हम इसको रख देते हैं। देखिए, मैंने पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है और जो मैंने चिकन मैरिनेट किए थे, मैं उसमें से चिकन के पीसेस निकाल के इसमें शैलो फ्राई करूँगी। एक एक करके मैं इस तरह से इसमें चिकन के पीसेस डालूंगी और बिल्कुल धीमी आंच से पकाऊंगी। अगर ये तेज़ आंच से बनेगा तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए हम इसको धीमी ही आंच से कम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से चिकन के सारे पीसेस पैन में डाल दिए हैं। अब मैं इसको धीमे आँच पर 10-15 मिनट के लिए पकने दूँगी। देखिए, मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं इसमें रिफाइंड डालूंगी थोड़ा सा बस। ये देखिए, ग्रेवी इस तरह से थोड़ी सी थिक हो गई है। अब हम इसमें, देखिए, जो चिकन के पीसेस मैंने बनाए थे अब इसमें डाल देंगे। देखिए, सारे पीसेस इस तरह से मैंने डाल दिए। देखो, हल्का हल्का इसको ऐसे ग्रेवी के अंदर ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। देखिए कितना लाजवाब लग रहा है देखने। देखिए ऐसे, अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढककर रख देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए, चिकन अफगानी हमारा बनकर तैयार हो गया है। कितना टेस्टी लग रहा देखने से, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए अब हम इसे सर्व करके दिखाते हैं।
देखिए मेरा चिकन अफगानी बनके तैयार है। कितनी टेस्टी डिश लग रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। देखिए कितनी डिलीशियस रेसिपी लग रही है, कितनी टेस्टी लग रही है। मुँह में देखकर ही मुँह में पानी आ रहा है। आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए दोस्तों में, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।